अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 3 दिवसीय लेट फेस्ट कसौली में आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय खुशवंत सिंह की याद में आयोजित किया जाता है। कसौली में आयोजित होने वाले इस लेट फेस्ट में देश विदेश के हाई प्रोफाइल लेखक और सेलिब्रिटी भाग लेते हैं और मिलकर वर्तमान ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। इस बार भी फिल्म जगत से शर्मिला टैगोर इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची। ये आयोजन 2012 से किया जा रहा है। इस आयोजन को करवाने के लिए पिछले 3 वर्षों से प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए की सहयोग राशि भी देती थी, लेकिन इस बार न जाने क्यों प्रदेश सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यही कारण है कि लेट फेस्ट के आयोजक इस बार काफी निराश दिख रहे हैं। रोष व्यक्त करते हुए खुशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह बोस ने बताया कि उनके आयोजन पर करीब 30 लाख खर्च होता था, जिसमें प्रदेश सरकार पिछले 3 वर्षों से 5 लाख तक का सहयोग देती थी, लेकिन इस बार अभी तक उनकी तरफ से कोई भी सहयोग राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि लेट फेस्ट में ज्यादातर विदेशी लेखकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनका खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे सहयोग राशि जारी करें। कसौली में आयोजित हो रहे लेट फेस्ट कुछ जाने माने लेखकों ने धारा 370 को लेकर जो टिप्पणियां की, वे भाजपा को गवारा नहीं लग रही हैं, और उन्होंने सोलन में पूर्व सांसद की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कश्मीरी पंडित रेशमधर सूद विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश का विशेष समुदाय देश को बांटने का प्रयास कर रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज कसौली में जो लेखक पहुंचे हैं, उनके विचार सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है और वे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए धारा 370 को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सांसद व धारा 370 के राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र कश्यप और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेशम सूद ने कहा कि धारा 370 को लेकर जो टिप्पणियां कसौली लिट फेस्ट में की गई, वे बर्दाश्त से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि लिट फेस्ट में उपस्थित ज्यादातर लेखक धारा 370 का समर्थन करते नजर आए और वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार J&K के नागरिकों से माफी मांगे, जो तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जहां देश एक हुआ है, वहीं विशेष समुदाय को उसकी हिमायत कर रहा है, जिससे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। सोलन में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने एक बैठक ली। बैठक में राठौर ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि भाजपा उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है और चुनाव आयोग से जो एक संवैधानिक संस्था है, उसे सरकारी विभाग की तरह पेश आ रही है, मानो उसे चुनाव आयोग से कोई डर नहीं है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो नौजवानों को प्रलोभन दे रही है, गाँव वासियों को रिझाने के लिए सरकारी पाइपें लाकर विकास कार्य दिखाने की बात कर रही है, जो कि सरासर गलत है। राठौर ने कहा कि सिरमौर में भाजपा खुलकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए इतिहास में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भी जारी किया है, जिससे साबित होता है कि वे अपने पद की गरिमा को बनाए रखने में असफल हैं। वे चुनावों में भाजपा के कार्यकर्ता की तरह प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि हद तो ये है कि प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर भी उनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री महेंद्र सिंह और कुछ सरकारी अधिकारी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन पर भी तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। गौतम महाविद्यालय हमीरपुर में पिछले कल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया, जिसमें प्रदेश भर के 70 महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आगाज गौतम कॉलेज हमीरपुर और घुमारवीं के टीमों के बीच मैच से हुआ। इस मैच में गौतम कॉलेज ने कड़े मुकाबले में घुमारवीं को शिकस्त दी।
इससे पहले गौतम कॉलेज के सचिव डॉक्टर रजनीश गौतम ने प्रतियोगिता में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। कोच ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 70 महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इस प्रतियोगिता का समापन 17 अक्टूबर को होगा और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल इसमें मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुकाबले के अन्य मुकाबलों में अर्की कॉलेज की टीम ने जोगिंदर नगर को हराया और लंच कॉलेज ने कंडाघाट और रोनट कॉलेज ने बैजनाथ को हराया।